जातक कथा मतलब भगवान बुद्ध की पिछले जन्मों जन्म का कथा, पिछले जन्म में क्या कर रहे थे वो जातक कथा। कभी कभी भगवान बुद्ध दूसरों को सुधारने के लिए जातक कहानी भी बताते थे। तो ये जातक कहानी का नाम श्री जातक। क्या नाम है? श्री जातक। श्री जातक मतलब, श्री मतलब क्या है? सौभाग्य। क्या है? सौभाग्य। तथागत भगवान बुद्ध जी जेतवना आश्रम में रहते समय सौभाग्य के बारे में जानने वाले एक ब्राह्मण के चलते ये उपदेश बताया। सौभाग्य का दूसरा शब्द क्या है? श्री। श्री, हाँ श्री। क्या हुआ? अनाथ पिंडिक सेठ जी का चौथा दरवाजा पर एक मिथ्या दृष्टि देवी है। अनाथ पिंडिक सेठ जी का महल बहुत बड़ा है, उसी में चौथा दरवाजा है, उसी चौथा दरवाजा पर एक देवी है अपना घर बना के, लेकिन वो देवी मिथ्या दृष्टि की है। क्या हुआ? अनाथ पिंडिक सेठ जी रोज दान देते हैं, संत लोगों को रोज दान देते हैं, हजारों हजार लोगों को दान देते हैं, अच्छा अच्छा दान देते हैं। ऐसे दान दे के अनाथ पिंडिक सेठ जी गरीब हो गया, दम गरीब हो गया। अभी घर पे क्या खाता है? माड़ भात। इतना अमीर सेठ जी, कितना अमीर थे सेठ जी, पूरे बोध गया जैसा एरिया उत्तर प्रदेश में पूरा सोना बिछा के खरीद लिया है। कितना अमीर होगा? रोज रोज कम से कम 40-50 हजार बांते लोगों को भोजन दे रहा है रोज फ्री में, तो कितना पुण्य होगा, बहुत, कितना धन होगा, बहुत अमीर है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ? अनाथ पिंडिक सेठ जी वो बैंक का व्यापारी था, उसका अनाथ पिंडिक सेठ जी का काम क्या है? पैसा देता है शुद्ध पे दूसरों को। शुद्ध पे पैसा देने के बाद शुद्ध जो पैसा लिया है उधार पे, उन लोग सोच रहा था ये सेठ जी के पास बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे धन संपत्ति है, ए तो इतना सारा सोना बिछा के जमीन खरीद लिया, भगवान को तो पूजा किया, इतना दान दे रहे रोज, इसके पास पैसा है, छोड़ दो आप पैसा नहीं देंगे। उधार लिया हुआ शुद्ध दूर की बात वापस पैसा भी नहीं दिया। ऐसे सभी लोग करते समय अनाथ पिंडिक सेठ जी का पैसा क्या हो गया? धीरे धीरे कम होके खत्म होने लगा। तब एक देवी चौथे दरवाजे पे थी ना मिथ्या दृष्टि, वो देवी अनाथ पिंडिक सेठ जी के पास आया, बताया सेठ जी देखा ना पुण्य करने का घाटा क्या है, रोज रोज दान दे रहा था। मैंने मना किया, कई बार मैंने मना किया, मत दो, फिर भी दे रहा था। अब कुछ देखो गरीब हो गया सेठ जी, अभी भी आप दे रहे हैं, अभी आप माड़ भात खाते हैं, बांते लोग को माड़ भात दे रहा है, मत दो आ से सेठ जी, मत दो, मैं इस घर का रक्षक देवी हूँ, आज से संत लोगों को नहीं देना है। इसका मतलब सभी देवताओं का अच्छा है, बुरा देवताओं भी होता है ना, मिथ्या दृष्टि, पता है, मत दो। अनाथ पिंडिक जी देखा देवी का चेहरा, तू कहाँ रहती है? हम चौथी दरवाजे पे, मेरा भवन है चौथी दरवाजा, मेरा घर पे है ना, तू जाओ अभी तुरंत भाग जाओ यहाँ से, तुमको आज से इस घर पे कदम रखना मना है, जा यहाँ से, हटाया। अभी उसको नहीं रह सकता है, वो रो रो के 4 महान देवताओं के पास गया, नहीं
उस एरिया का मेन देवता के पास गया, जाके बताया हमको भगा दिया सेठ जी, कुछ करिए। क्या किया ऐसे सेठ जी तो अच्छा है, क्या किया बताया पूरा डिटेल्स। हम ऐसे से बोला, अरे मूर्ख देवी मूर्ख, हम नहीं कुछ कर सकता है, हम फंस जाएंगे कुछ करेगा तो। ऊपर जाओ, चार महान देवताओं के पास जाओ। अलग अलग देवता के पास गया, विरुद्ध विरूपाक्ष दत्राष्ट वायुश्रवन, चार महान देवताओं के पास गया, जाके बताया मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गया। लेकिन वो सेठ जी ऐसे हमको बोला, अभी हमको रहने का जगह नहीं है। क्या किया सेठ जी तो अच्छा है, क्या किया सेठ जी ने, क्या बोला तुम, क्या बोला सेठ जी को। अतः हम ऐसे ऐसे बोले दान मत दो, तो ऐसे बोला सेठ जी हमको भगा दिया। अरे मूर्ख, कितना तू मूर्ख है, हम कुछ नहीं कर सकता है, ये बहुत खतरनाक है, हम एक हाथ भी नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा पाप पे हाथ लगा दिया, संत लोगों को दान तुम रोक दिया, हम नहीं कर सकता है, तुम जाओ इंद्र जी के पास, इंद्र जी के पास जो कुछ करने करो, हमें कुछ पता नहीं। इंद्र जी के पास जाके बताया, पूरा डिटेल्स बताया। इंद्र जी अरे मूर्ख, हम कुछ नहीं कर सकता है, हमको शर्म लगता है, हम जाके सेठ जी से बात कर सकता है, हम देवलोक का मेन देवता है, हम किसी जाके बात कर सकता है, मुझे शर्म लगता है, हम नहीं जा सकता है। वो रोने लगा, दे अभी हम क्या करें, अभी हमको रहने का जगह नहीं, मुझे कोई मदद भी नहीं करता है। एक है तो भगवान बुद्ध जी के पास जाओ, जाकर के फिर माफी मांग लो। इसके बाद तुम सीधा एक काम करो, सेठ जी से जो जो पैसा उधार लिया वापस लौटाने के लिए कुछ उपाय करो, तब तुमको कुछ चांस मिलेगा, ऐसा उपकार करेगा तो पुण्य से। फिर वो भगवान बुद्ध पास जाके माफी मांग के जो जो उधार लिया ना उनके पास रात में जाता है, जाकर के तू कल तक इसी सप्ताह तक में उधार वापस नहीं करेगा ना, तुम्हारा पागल हो जाएगा सब, ऐसे कर हर एक को जाके डराया। दूसरे दिन लाइन लगा के सेठ जी का महल के सामने सब लाइन लगा के, अरे सेठ जी हमको भी भूल गया था, बहुत बहुत काम है, बहुत बहुत काम है हमारा, शुद्ध भी शुद्ध से ज्यादा भी तोड़ा है, लीजिए सेठ जी लीजिए करके सभी लोग पैसा दे रहा था भर भर के। फिर सेठ जी का वो दुखी का समय खत्म हो गया। एक बाबा था, श्री बाबा मतलब सौभाग्य खोजने आता है बाबा को। ये श्री बाबा अनाथ पिंड सेठ जी के बारे में पूरा सुना, इतना धनी है। अनाथ पिंड सेठ जी का महल में गया, जा करके बैठ के, बैठने के बाद भोजन खिलाया सेठ जी। इसके बाद पूछा क्या कुछ कोई जरूरत है, सेठ जी को बताया, अच्छा से देख रहा था इधर उधर, ये सेठ जी कितना धन संपत्ति किस चीज से प्राप्त होता है, पूरा हर जगह देख रहा था। देखते समय सेठ जी ने, श्री बाबा ने देखा, श्री बाबा ने देखा क्या, एक सुंदर इधर फूल जैसा आया हुआ मुर्गा होता नहीं, इधर पूरा अच्छा से आया है ऐसा करके, मुर्गा देखते पहचान गया ये मुर्गा सौभाग्य देता होगा सेठ जी को। इस बार बताया सेठ जी ऐसा बात है, हम लोगों का आश्रम में सुबह उठने के लिए एक मुर्गा रखा हुआ है, लेकिन वो टाइम पर चिल्लाता नहीं, इसीलिए हमारे शिष्य लोग टाइम पर उठता नहीं, लेट से उठता है, अभी हम क्या करें, हमको ऐसा कुछ आली मुर्गा ऐसा मुर्गा को आली मुर्गा कहता है,
ऐसा आली मुर्गा मिल गया तो काम चलेगा, लेकिन आपका है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आली मुर्गा ले ले लीजिए। आली मुर्गा लेते तुरंत आली मुर्गा उड़ के सेठ जी का मुकुट मुकुट के ऊपर मानी था, मानी पे बैठ गया। बात है सेठ जी, मुर्गा तो मानी पे बैठ गया, ऐसा है तो मानी भी मुझे देना पड़ेगा, तुरंत हाँ ले लीजिए। फिर वो मुर्गा उठ के सेठ जी का सोने का लाठी पे चढ़ गया। सेठ जी ऐसा है तो ये बाबा का मन में आ गया, ऐसा है तो ये सोने का लाठी में भी श्री होगा, श्री मतलब सौभाग्य होगा, लाठी भी देना पड़ेगा। तो लाठी से उड़ के मुर्गा पकड़ने गया, तो लाठी से उड़ के सेठ जी का पत्नी का शरीर पे बैठ गया। इसके बाद बताया सेठ जी, मैंने सोचा सौभाग्य छीनने के लिए आपका, लेकिन अभी समझ में आता है दूसरों का सौभाग्य नहीं छीना जा सकता है, बहुत मुश्किल, इसीलिए सेठ जी आप मुर्गा भी रख लीजिए, हमको ये नहीं ले सकता है, ये सौभाग्य कोई वास्तु पे नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना, मनी प्लांट लगाया तो पैसा मिलता है, कछुआ रह गया तो पैसा मिलता है, शुभ लाभ लिख दिया तो आज पैसा मिलता है, मंत्र पढ़ लिया तो, कोई घर के सामने कुछ लटका दिया तो धन संपत्ति प्राप्त होता है, घर के अंदर कुछ लटका दिया तो धन संपत्ति प्राप्त होता है, शिव जी का बिल पता चढ़ाया तो धन संपत्ति प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी का 108 बार पूजा किया तो धन संपत्ति प्राप्त होता है, ऐसे होता है ना। तो वैसा ये भी सोचा, इसीलिए सेठ जी आपका सौभाग्य मैं नहीं ले सकता। इसके बाद ये सेठ जी सोचा ये बात भगवान बुद्ध जी के पास जाके बता देंगे, जाके बताया पूरा कहानी। बताने के बाद भगवान बुद्ध ने बताया, कभी भी दूसरों का सौभाग्य नहीं छीना जा सकता है, और कोई वास्तु से दूसरों का सौभाग्य प्राप्त होता भी नहीं है। बहुत पहले भी ऐसे हुआ है, करके पहले ये जातक कहानी बताया, श्री जातक। वाराणसी का ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करते समय हमारे बोधिसत्व यानी कि भगवान बुद्ध उस जन्म में तपस्वी एक ऋषि जी बन गए थे। तो उसी शहर में हस्ती को शिल्प शास्त्र सिखाने वाले यानी कि हस्ती लोगों का मेन एक हस्ते आचार्य, हाथी लोगों को शिल्प सिखाने वाले एक आचार्य जी था, वो भी पैसे वाले हैं। वो आचार्य जी ये बोधिसत्व तपस्वी को हमेशा खान पान रहन सहन हर एक सेवा करता है। तो उसी शहर के बगल में लकड़ी बेचने वाले एक आदमी था, वो एक दिन जंगल में जाकर के लकड़ी काट के आते नूर शहर में आते समय रात हो गया। रात होने के बाद एक मंदिर था जंगल के किनारे, मंदिर में वो सो गया। सोने के बाद सुबह सुबह दो मुर्गा बगल में एक डांगे सो रहा था, ऊपर एक नीचे एक। तो ऊपर मुर्गा सुबह पेकाना किया ऊपर से चुई करके, करने के बाद वो सारे पेकाना गिर गया नीचे मुर्गा का ठुई करके सिर पे। ए ए ए कौन किया, कौन किया, किस किसका दिमाग पगला गया, गलती से हो गया भैया, गलती से हो गया, माफ कर देना है। फिर पूरा ऐसे ही फिरा दिया। इसके बाद कुछ देर और एक बार कह दिया, ए अभी क्या गलत, अभी कौन सा गलती हो गया तुम पे, तू जानता है मैं कौन हूँ, तो मुर्गा है, मुर्गा है, बात सही है, लेकिन तू जानता है मेरा कीमत कैसा है,
दस 15 रुपया का होगा है। मेरा मांस अगर मेरा मांस कोई खाएगा तो वो राजा बन जाता है, और मेरा अंदर जो क्या है मुर्गा का अंदर जो कहा था टेस्टी है एक कलेजा, मेरा कलेजा खा लिया तो सेनापति बन जाता है। मेरा हड्डी चूस के चूस लेगा तो, अगर तपस्वी मेरा हड्डी चूस कर चूस लेगा तो वो राजा का दम लगाव हो जाता है, मेन राजा का। अगर जो कोई स्त्री मेरा मांस खाएगा तो वो अग्र महेशी का हो जाता है, यानी कि महारानी बन जाती है। ये सुन लिया कौन? मंदिर के अंदर सो रहा था लकड़ी काटने वाला आदमी, सुन लिया, किसी भी तरह से मेहनत करके भागा भागा के भागा भागा मुर्गा को पकड़ लिया, दौड़ के घर जा करके देवी को दिया, देवी जल्दी पूरा काट दिया गर्दन, काट के पूरा बनाओ इसका मांस बनाओ, हड्डी भी सब कुछ अलग अलग करके बनाओ। बना दिया, बना के चावल के साथ सब तैयार है। हाँ तैयार है, अभी हम लोग ये नहीं खाएंगे। पहले देवी, पहले ओ जी, देवी नहीं ना देहाती घर पे, ओ जी पहले हम लोग नदी में जाएंगे, नहा के स्नान करके सुगंध लगा के पवित्र होके करने का काम है ये, राजा बनेंगे तू महारानी, दोनों मिलके मजा लेंगे, ऐसे बोल के दोनों नदी के पास गया। जा करके मांस और चावल किनारे रख के नहा रहा था। ओ जी ये पानी काला क्यों? शायद ऊपर में बारिश हो रहा होगा, नहीं तुम्हारा शरीर से निकल रहा है। हाँ 1.5 महीना से नहा रहा है देवी, तुम भी नहा लो, तुम्हारा भी काम नहीं उतना, तो लगता है पूरा नदी नाली बन गया है। चलो चलो सब बकवास छोड़ दो, हम लोग नहा लेंगे अभी। फिर नहाते समय सचमुच ऊपर साइड बारिश होने लगा, बारिश होकर पानी धीरे बढ़ने लगा। किनारे रखा था क्या पार्सल, खाना का पार्सल सब पानी में ढह गया, ढहते ढहते नीचे तक गया। जाने के बाद वो हस्त्याचार्य है ना, हाथी का आचार्य, वो बगल में ही है, उसका नौकर लोग, हाथी को नहाने वाले लोग देखा क्या तो आ रहा है, निकाल दिया। देखने बाद अरे भोजन है, पानी भी अंदर नहीं गया, सुगंध भी है, तुरंत हस्त्याचार्य को दे दिया। दे करके बताया अब क्या करे, हाँ रखो अभी किसी को बेचना नहीं, अंदर रखो बाद में खाएंगे। तब ये तपस्वी, एक तपस्वी है ना बोधिसत्व, तपस्वी आके बंद करके कुछ भी देख सकता है, देख लिया ये मांस का आश्चर्य भी देख लिया, तो सोचा इन लोग को खिलाना चाहिए और हड्डी हम चूसेंगे ताकि राजा का लगाव हो जाएगा। हस्त्याचार के घर पे आया, आने के बाद मांस और भात तपस्वी को पूजा किया, तपस्वी ने क्या किया राजा को, हस्त्याचार्य और उनका पत्नी दोनों को मांस खाने के लिए बताया, और बगल में जो मदद कर रहा था उसको क्या कलेजा खाने के लिए दिया, और ये हड्डी चूस किया। इसके बाद बताया आज से 3 दिन जाने का तुमको राज्य मिल जाएगा, याद रखना, ऐसे बोल के तपस्वी चले गए। इसके बाद कौशल देश का राजा वाराणसी का राज्य कब्जा करने के लिए पूरा घेर लिया वाराणसी। वाराणसी घेरने के बाद वाराणसी राजा भी अपना पूरा
हाथी अश्व सेना सब तैयार करके युद्ध करने के लिए गया। युद्ध करते करते रहते समय कौन तो तीर मार दिया, तीर लग गया वाराणसी राजा का छाती पे, राजा मार गया। मारने के बाद सभी लोग देखा, अरे राजा मर गया, भागो 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 कर भागने लगा। हस्त्याचार्य आके बता, नहीं नहीं कोई नहीं भागेगा, मैं हूं, मैं तुम लोगों को धन दे दूंगा, लेकिन तुम लोग युद्ध करना पड़ेगा, सभी लोग युद्ध करो, धन मेरे पास है, हम दे देंगे। युद्ध किया, युद्ध से जीत गया। जीतने के बाद सभी लोग बात विचार किया, अभी तो किसको राजा बनाएंगे, युद्ध से जीता है हस्त्याचार्य, ऐसे भी राजा भी पहले बताया हस्त्याचार्य ही अच्छा है राजा के लिए भी, हम लोग को कई बार बताया ऐसे, तो हस्त्याचार्य से राजा है, उनका पत्नी रानी है और उनका जो सेवक है वो सेनापति आसे, ऐसे बताया। तो वो तपस्वी क्या हुआ, तपस्वी बन गया राजा का उपदेश देने वाला, राजा का करीब बन गया, दोस्त बन गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया इस संसार में पुण्य करने वाले लोगों को ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो कुछ पुण्य करता है वो सब देव मनुष्यान देव मानव को जो मन में आता है वो प्राप्त करने का उपकारी होता है। यानी कि पुण्य करने वाले लोगों का मन में आएगा तो हमको ये मिल गया तो अच्छा है, क्या होता है, ठीक है ना, अगर सोचते हैं तो हमको ये चाहिए तुरंत प्राप्त होता है, उसको कहता है इष्ट सब काम मधु, सारे जो मन चाहता है वो मिल जाता है पुण्य करने वाले लोगों को। बहुत सुंदर है, सुन लीजिए अच्छा से आराम से। जो पुण्य करता है उन लोगों को पुण्य निधि, निधि मतलब खजाना जैसा होता है। खजाना का स्वभाव क्या है, खजाना मतलब क्या है, अंदर कहीं ना कहीं है। सोचिए सानी के पास एक खजाना घर पे है, कोई नहीं जानता है, अरबों रुपया का खजाना, सोना हीरा मणि सब अंदर भरा हुआ है। सानी जब चाहे सब निकाल सकते हैं कि नहीं, वैसे ही है पुण्य करने वाले लोगों को खजाना प्राप्त होता है, यानी कि कभी ना कभी मिल जाता है फल। इसके बाद देवताओं भी जो जो सोचता है वो सब क्यों प्राप्त होता है, देवलोक में देवताओं जाने के देव दिव्य जन्म देवताओं का जन्म मिलने के बाद क्या होता है, अभी हमको थोड़ा सा गाना सुन लिया तो अच्छा है, थोड़ा सुंदर सुंदर गाना आवाज आ रहा है, अभी कुछ खाया नहीं क्या खाएंगे, वो देवलोक का आम अच्छा है। मनुष्य लोग काम तो गमकता है देवताओं को, थुप थुप थुपेगा भी नहीं मनुष्य लोग काम पे, इतना गमकता है। देवलोक का मिल गया तुरंत आम प्राप्त होता है, कितना बड़ा आम है, एक आश्रम जैसा एक काम, तो सोचो देवता चीटी जैसा है आम के ऊपर खेले, नहीं इसे बड़ा है। ऐसे जो सोचता है वो प्राप्त होता है कैसे, पुण्य करने से। और जो कोई यंग जो कोई अभिपत्थन्ति मन में प्रार्थना किया तो सबंग वो सब कुछ एतेन इस कुशल के कारण ही लभति लाभ होता है प्राप्त होता है। सुवर्णता, सुवर्णता मतलब शरीर का खूबसूरती किसी से कारण प्राप्त होता है, करने वाले पुण्य के कारण प्राप्त होता है। और सुसरता सुंदर आवाज कैसे प्राप्त होता है, पुण्य के कारण। इसको अच्छे सुन लीजिए, बहुत सुंदर चीज चल रहा है अभी।
सुसान ठान था और अच्छा से शरीर का अंग अंग सही ढंग से, शरीर का अंग अंगुली जिस प्रकार शरीर उस प्रकार लंबाई, जिस प्रकार लंबाई उस प्रकार मोटापा, वैसा सुंदर स्वभाव शरीर प्राप्त था कैसे? पुण्य करने के कारण। और बताए हैं सुरूपता, बहुत सुंदर रूप प्राप्त होता है कैसे? पुण्य करने के कारण। आधिपत्य वरु, आधिपत्य, आधिपत्य मतलब सभी लोगों को कंट्रोल करके रहने का नेता, नेतृत्व कहता है आधिपत्य, यानी कि सब 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 सारे लोगों का मेन, वो कैसे प्राप्त होता है? पुण्य से प्राप्त होता है। और हैं ये सब कुछ प्राप्त होता है। मानसिक आवा संपत्ति, मनुष्य लोक में जन्म लेने का जो कुछ संपत्ति मानव को चाहिए, क्या चाहिए? घर द्वार, पैसा, धन संपत्ति, परिवार, बाल बच्चे और रिश्तेदार, दोस्त, जमीन जायदाद, जो कुछ चाहिए, नौकरी, सब कुछ, सब कुछ मनुष्य जन, मनुष्य को जो चाहिए वो सब प्राप्त होता है किससे? पुण्य के कारण, करने वाले कुशल कर्म के कारण, करने वाले पुण्य कर्म के कारण प्राप्त होता है। देवलोके चयारति, दिव्य लोक में जन्म लेने के बाद देवताओं को जो कुछ चाहिए ना, वो सब कुछ भी पुण्य के कारण ही देवताओं को प्राप्त होता है। अब देखिए, याव निब्बान संपत्ति, अंत में अरहत निर्वाण संपत्ति प्राप्त होगा तब भी वो सब एतेन कुशलं, कुशल के कारण, पुण्य के कारण प्राप्त होता है। यानी कि अंतिम चीज क्या है? निर्वाण, अरहत, निर्वाण भी प्राप्त होता है पुण्य के कारण, किसी से मांगने पर नहीं। मित्त संपद मागम, कल्याण मित्र संगत में आकर के, सत्पुरुष संगत में आकर के, योनिसो मानसिकार में रह के रहने वाले व्यक्ति को पिछले जन्म का ध्यान करने का सब कुछ प्राप्त होता है। यानी कि कल्याण मित्र संगत प्राप्त होता है किससे? पुण्य के कारण। ज्ञान सुनाई देता है पुण्य के कारण। और योनिसो मानसिकार मतलब ज्ञान मनन करके समझने का तरीका है ना, अलग अलग को अलग अलग है, वो पुण्य के कारण। हम सबका बराबर नहीं है, शायद मुझसे ज्यादा राहुल के पास होगा, बराबर नहीं है हम लोग के पास, वो पुण्य के कारण। और ध्यान करने का क्षमता पुण्य के कारण प्राप्त होता है। सबको बराबर ध्यान नहीं कर सकता है, किसी का अच्छा से ध्यान होता है, किसी का नहीं। और कोई कोई ध्यान करके पिछले जन्म देखता है और कर्म के अनुसार जन्म लेने वाले सब कुछ देखता है और निर्वाण प्राप्त करता है, सब पुण्य के कारण प्राप्त होता है। और भगवान बुद्ध ने बताया अंत में अरहत्व भी पुण्य कारण प्राप्त होता है, पाच्येक बुद्धत्व भी पुण्य कारण प्राप्त होता है, संबुद्धत्व भी प्राप्त होता है पुण्य के कारण। यदिदं पुण्य संपदा, जो कोई कुशल समृद्धि है, ऐसा ये कुशल संपत्ति इसी प्रकार महिद्धि महारिद्धिमान है। क्या रिद्धिमान है? करने वाले पुण्य बहुत रिद्धिमान है, ताकत है। तस्मा, इसीलिए पंडिता बुद्धिमान लोग सुकत पुण्य पुण्यतम शील इत्यादि कुशल पुण्य करते रहना पड़ेगा बुद्धिमान लोग। हमेशा बुद्धिमान पुण्य करना प्रशंसा करते हैं, ऐसे करके जातक कहानी बताया। फिर वो हाथियों का मालिक है ना, उनको उसको मेन राजा बन गया, वो तपस्वी भगवान बुद्ध थे। इसका मतलब आप लोग कुछ अंगूठा पहनने से, काला कुछ कुछ माला पहनता है ना,
मोहल्ला पहनने से, ये वाला पहनने से कोई फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है। घर में कुछ टांगने से या तो फिर घर पे अलग प्रकार चित्र पारने से या शुभ लाभ पारने से, ऐसे कुछ करने से सुख संपत्ति प्राप्त होगा? पूजा पाठ करने से नहीं होगा। क्या करने सब प्राप्त होता है? पुण्य करने से। और चंदन पुण्य किया, चंदन का पुण्य नंदन चोरी कर सकता है? नहीं। चंदन के पास पुण्य है अमीर होकर रहने का, नंदन पास वो पुण्य नहीं है। तो चंदन कोशिश करते नंदन को, भैया है मदद करेंगे, भैया जमीन ले लो। ले लिया, लेने के बाद जमीन दूसरा कब्जा कर लिया, क्यों? पुण्य नहीं है। या तो फिर वापस नंदन को ही जमीन मिल गया। दूसरों का पुण्य लूट नहीं सकता है। कोई कह दिया तो आश्रम में आकर के, आश्रम में मनी प्लांट दो लगा हुआ इसीलिए आश्रम में ऐसा चमक रहा है, मनी प्लांट उखाड़ के फेंक दिया तब भी आश्रम में ही रहेगा, ऐसा है। पुण्य पे हिसाब, इसीलिए आप लोग रंग बिरंग पुण्य करिए, अलग अलग प्रकार के पुण्य करिए। दान दे दीजिए, ध्यान करिए, सील सुरक्षा करिए, उपोषित ले लीजिए। आप लोग जो कुछ थोड़ा या बड़ा, छोटा या बड़ा पुण्य करता है ना, हर एक पुण्य खजाना बन जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। आप लोग बैंक में 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया डालेगा तो बैंक में रहेगा या कोई चोरी करेगा? रह जाता है ना, कोई चोरी नहीं कर सकता है। अच्छा, बैंक में डाल देंगे तो वैसा आप लोग 100 रुपया जैसा छोटा पुण्य भी करता है, 1 लाख रुपया डालने जैसा बड़ा पुण्य भी करता है, हर एक पुण्य आपका जीवन का बैंक में जमा हो जाता है, कोई चोरी नहीं कर सकते। भविष्य में आपको वो उपकारी होगा सुख पाने के लिए, कभी भी ऐसा है तो। ये सारे सुख सुख संपत्ति पुण्य से मिलेगा तो, श्री मिलेगा तो पुण्य से, दुख मिलेगा किससे? पाप से। कभी पाप मत करिए, कभी भी पाप मत करिए। एक चींटी को भी दुख मत दीजिए, किसी को भी एक भी गाली मत दीजिए, किसी को भी परेशान मत करिए। सबके साथ प्रेम भाव से रहिए, मैत्री करिए। मैत्री करता है ना, मैत्री ध्यान करने से जल्दी कुशल बढ़ता है। इसलिए देखिए आज आप लोग एक सुंदर जातक कहानी सुनाई। जातक कहानी का नाम क्या था? श्री जातक, श्री सौभाग्य के बारे में बताया गया जातक। अभी आप लोग जानते सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है ना, इसीलिए तो आप लोगों को भी बहुत बहुत पुण्य करने का भाग्य मिल जाए।